एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीम गार्डन। मैं पूनम आज आपको अपने फाउंटेन पर कुछ वर्क करके दिखाऊंगी, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि मैम आपके फाउंटेन पे कलर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने वही रिक्वेस्ट को आज पूरा कर रही हूँ और आप सबके साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो मैं कलर कर रही हूँ वो कैसा टेक्सचर है, कैसा लगेगा देखने में, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो कलरिंग नहीं की थी, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं जैसे कि यहाँ से सारा सामान हटा लूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने बना रखी हैं और ये हमारे बुद्धा जी हैं, तो इन सबको यहाँ से संभाल कर हटाना है, स्टोन्स को हटाना है और अच्छे से मैं इसकी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि ये बाहर के एरिया में रखा हुआ है मेरा। और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे इस पर कलरिंग करना। तो सबसे पहले जो हम कोटिंग कर रहे हैं ये वाइट सीमेंट प्राइमर है, और इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसको करना है। तो ये एक कोट ही सफिशियंट है, बिकॉज मैंने इसे थिक रखा हुआ था। अब हम करेंगे कलर। कलर मैं कर रही हूँ एशियन पेंट्स के, और ये वाटरप्रूफ कलर्स हैं, और ये ब्लैक कलर पूरे में मुझे करना है। इसका भी एक कोट सफिशिएंट है, क्योंकि काफ़ी डार्क है ये कलर। पूल के एरिया में मुझे ये कलर यूज़ नहीं करना था, सो मैंने यहाँ पर एक पॉली बैग रखा हुआ था, और अब इसको हम बहुत ही आराम से कर लेंगे ताकि कोई स्पॉट नीचे पूल में ना आए। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए सारा ब्लैक कलर। अब हम इसको अच्छे से सूखने के बाद ही नेक्स्ट कलर को करेंगे। अब मैं यूज कर रही हूँ एपिक्स का अल्टिमा, एशियन पेंट्स का कलर है, ये पर्पल शेड है। अब हमें बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक्स देने हैं और ड्राई ब्रश की तरह हमें यूज करना है। इसमें बिल्कुल भी आप वाटर की मिक्सिंग नहीं करेंगे, और बहुत कलर, जैसे कह सकते हैं आप बहुत कम कलर से ही आप इस पर स्ट्रोक्स देंगे, हल्के हल्के मर्ज करेंगे, बट ब्लैक कलर कवर नहीं करना है। दोनों कलर की शेडिंग्स आनी चाहिए, तभी इसका जो लुक आएगा वो अच्छा लगेगा देखने में। थर्ड कलर अब हमारा है ग्लॉसी मेटालिक्स का, और इसमें मैं गोल्ड कलर का यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन टेक्सचर दूंगी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसी से ही इसमें एक मेटालिक लुक भी आ जाएगा। और आप देख रहे हैं मैं फोम का यूज़ कर रही हूँ। फोम से हम बहुत ही मतलब हल्के हाथों से टेक्सचर देंगे, ताकि हमारे जो दोनों कलर्स हैं ब्लैक एंड पर्पल, वो भी नीचे से नज़र आते रहें। देखिए मेरा पूरा कलर कंप्लीट हो गया है, और ये अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। अब मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, और अपनी फिशेस भी मैंने इसी में डाल दी हैं, और इसके जो पूल का कलर है वो ब्लू कलर किया है मैंने। ब्लू कलर ही अच्छा लगता है, या फिर आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। और इसके स्टोन्स पर मैंने लाइट येलो कलर किया है। तो इस तरह से देखिए पहले का लुक इसका कैसा लग रहा है, बिल्कुल रॉ है ये, और अच्छा तो तब भी लगता था बिल्कुल एकदम देखने में, बट अब जो इसका लुक आया है, थैंक यू सो मच टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि मैम आप इसमें कलर्स कीजिए। तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहे हैं, और इस एरिया को मैंने थोड़ा सा खाली खाली भी कर दिया है, ताकि इसका एक लुक पूरा नज़र आए। पहले मेरे फोन से काफ़ी कवर हो गया था ये, और अब मैंने इसमें सिर्फ साइकिल स्टैंड्स लगाए हैं, और जीनिया के फ्लावर्स मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये बुद्धा जी पर भी मैंने गोल्डन कलर का यूज़ किया है,
ताकि ये देखने में नए नए लगे। और बाकी डेकोरेशन मेरी सेम है, टी लाइट होल्डर, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल सेम किया है मैंने। मेरा मेटेलिक फाउंटेन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे अब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।